गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 9th एल्जेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर आपका चल रहा था, जिसमें हम आज इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। आप देख रहे हो कि सीधी सी बात, कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, आइए देखिए, ये और ये सेम है ना, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा 7.83 का होल स्क्वायर। फिर इसको क्या लिखूंगा, वो भी सेम है, यानी 1.17 का होल स्क्वायर अपॉन में 6.66। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसको इसका गुणा मत करने लगिएगा होल स्क्वायर करके। ठीक है, सीधी बात, फार्मूला है तो एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। ठीक है, 7.83 प्लस 1.17, ठीक है, और इनटू में ही 7.83 माइनस 1.17 अपॉन में 6.66। अब देखो, 7 और 3 10 हो जाता है, 2 और 8 10 हो जाता है, 7 और 1 8 और 1 जो कैरी हुआ 9। ठीक है, फिर यहाँ पर दोनों घटा लीजिए, 13 में से 7 गया 6, 7 में से 1 गया 6, फिर यहाँ पर देखिए 7 में से 1 गया 6। अब नीचे क्या है आपका 6.66, दोनों सेम है, कट कर लीजिए, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। 9.00 का मतलब अब इस पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं है जीरो का, इसलिए आंसर 9 होगा। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सातवें का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखिए, यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और माइनस 2ab है। ए क्या है, यहाँ 322 मैंने लिया है, बी क्या है 22। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 322 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 322 × 22 और प्लस में 22 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात है, फार्मूला कौन सा लग रहा है, 322 माइनस 22 का होल स्क्वायर। आप खुद समझिए, ये ए है ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, यहाँ 2 × ये ए है और ये बी है, तो हमें क्या पता है ये कौन सा फार्मूला है। तो आप कहोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ ए क्या था 322 मैंने लिखा, बी क्या था 22 मैंने 22 लिखा, 322 में से 22 गया 300 हुआ और इसी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 × 2 = 4, यहाँ क्या हो जाएगा, इस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि सुपर इम्पॉर्टेंट है, वो आठवां है। ठीक है, आठवें क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, फार्मूला पे फार्मूला यूज होगा और कौन सा होगा अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर x माइनस 1/x का मान क्या है, 6 है। ठीक है, हमको ये बताइए, यहाँ पावर 1 है x, यहाँ पावर क्या है 4, यानी कि मैं पहले स्क्वायर करूं फिर उसका फिर से स्क्वायर करूं तो मैं 4 पे पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर 6 है, तो आप लिखिएगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप जब वर्ग करोगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 × x × 1/x बराबर 36। ये x से x कटा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 36, अपनी जगह माइनस 2 है तो प्लस 2, 36 और 2 38। ये किसका है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के रखे रहिए। फिर आइए देखिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, तो ये कब होगा, जब इसी का मैं फिर से क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1 का पुनः, समीकरण 1 का वर्ग करने पर। ठीक है, अगर आप वर्ग करोगे तो क्या पाओगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर और 38 का भी क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो आप देखेंगे यहाँ से फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करना रहेगा, फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर, यानी ये a की जगह क्या है x स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर,
फिर बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए का मतलब क्या एक्स स्क्वायर, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर 1444 होता है, ठीक है 1444, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा प्लस 2 बराबर 1444, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये 2 इधर आएगा तो घट जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका ये चीज़ घटेगा तो क्या हो जाएगा 1444 माइनस 2 यानी 1442, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का हमें मान चाहिए था, वो यही आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करता हूँ आप तीनों ही क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको कर लेना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, x माइनस 1 अपॉन x बराबर 6 था, दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग करने पे ये माइनस था, ये माइनस 2 से इधर आएगा प्लस 2, इसका स्क्वायर करोगे 38 का वर्ग 1444 आता है, इसमें पुनः वर्ग कर रहा हूँ, ये मिला 4, ये भी पावर 4, ये दोनों कट जाएगा 2 आया, फिर इधर आएगा घटेगा 1442 आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।